Assalamualaikum दोस्तों, मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सट्रीम और मैं हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट की वीडियो के साथ, जहां पे ये अपडेट निकल के आई है ओप्पो वालों की तरफ से कि ओप्पो वाले तकरीबन एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाले हैं बहुत ही जल्दी ग्लोबली, जहां पे इसका नाम रिवील आउट है ओप्पो Ace2। यहाँ पे ओप्पो का Ace2 एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है काफी हद तक, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चिपसेट देखने को मिलने वाला है इस स्मार्टफोन में वो एक फ्लैगशिप चिपसेट होने वाला है स्नैपड्रैगन का 865, क्योंकि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस्ड, और आपको यहाँ पे वही गेमिंग एक्सपीरियंस देखने को मिलने वाला है, वही यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग स्पीड देखने को मिलने वाली है जो कि आपको फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको यही प्रोसेसर देखने को मिलता है, यही चिपसेट देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, तो ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफी अमेजिंग स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जानने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करते साथ ही आपको बेल आइकन का बटन बना आ रहा होगा उसे दबा के ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हमारी कोई भी न्यू वीडियो निकल के आए तो उसे मिस आउट ना कर सके। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओप्पो Ace2 के अंदर काफी बड़ा डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है, जहां पे आपको एक 6.5 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, और इस एमोलेड डिस्प्ले में आपको पंच होल देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड पे, जहां पे लगाया गया आपका सेल्फी कैमरा। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 1080p की फुल HD प्लस की स्क्रीन रेजोल्यूशन देखने को मिलेगी, और फ्रंट साइड पे यहाँ पे आपको कोरिंग लगला 6K प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 120 हर्ट्ज के रिफ्रेशिंग रेट भी देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल यहाँ पे आपका डिस्प्ले एक्सपीरियंस काफी स्मूथ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया गया। अगर आपने 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले इससे पहले सैमसंग के डिवाइसेस में यूज किया, आपको सैमसंग S20 अल्ट्रा में देखने को मिल गया, और 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले अगर आपने यूज किया तो आपको पता होगा कि यहाँ पे डिस्प्ले में कैसी स्मूथनेस देखने को मिलती है। नॉर्मल जो फोन आते हैं वो 60 हर्ट्ज के डिस्प्ले पे आते हैं, और यहाँ पे आपको इससे डबल स्मूथनेस देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे लगाया गया 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले। तो फाइनली ओप्पो का भी एक फोन आने वाला है जो कि एक 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले पे वर्क करेगा, और बहुत ही जल्दी ये ऑफिशियली पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। लॉकडाउन खत्म होगा, ग्लोबली लॉन्च होंगे, तभी पता चलेगा कि स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट में कितनी देर तक आता है। इस स्मार्टफोन के अंदर जैसा कि आपको मैंने बताया, एक फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिलेगा जो कि स्नैपड्रैगन का 865 होगा। 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बेस ये चिपसेट है। यहाँ पे प्रोसेसर आपको ऑक्टा कोर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जीपीयू आपको एडिनो 650 देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन के अंदर डेफिनेटली आपको एंड्रॉइड 10 की सपोर्ट देखने को मिलेगी, और कलर ओएस यहाँ पे आपको लेटर देखने को मिलेगा 7। तो गेमिंग एक्सपीरियंस की तो बात ही ना करें, आपके गेमिंग एक्सपीरियंस के अलावा ओवरऑल एक्सपीरियंस यहाँ पे काफी स्मूथ होने वाला है, एक तो डिस्प्ले की वजह से, और यहाँ पे जो दूसरा प्रोसेसर है वो काफी पावरफुल प्रोसेसर है। इस स्मार्टफोन के यहाँ पे 3 वेरिएंट को ग्लोबली ऑफिशियली अवेलेबल किया जाएगा, पाकिस्तानी मार्केट में जब भी आएगा तब कंफर्म किया जाएगा कितने वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में आते हैं। एक इसका वेरिएंट होगा 8GB की रैम 128GB की स्टोरेज के साथ आने वाला, दूसरा इसका वेरिएंट होगा 8GB की रैम 256GB की स्टोरेज के साथ आने वाला, और एक इसका सबसे बड़ा सुपर वेरिएंट होगा 12GB की रैम और 256GB की स्टोरेज के साथ आने वाला। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको UFS 3.1 की भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको स्पीड ट्रांसमिशन रेट भी काफी फास्ट देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन की बैक साइड पे आपको ग्लास की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे बैक साइड पे कोरिंग लगभग 5K प्रोटेक्शन देखने को मिलेगी, और कैमरा डिजाइन भी यहाँ पे काफी चेंज किया गया। आपको अब यहाँ पे बहुत सी कंपनीज की तरफ से राउंड शेप में कैमरा देखने को मिल रहे हैं, और इस स्मार्टफोन के अंदर भी आपको राउंड शेप के अंदर आपके क्वाड कैमरा देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे कैमराज के पिक्सल्स को नए नए यहाँ पे आपको नॉर्मल स्मार्टफोन जो 40 से 50 हज़ार रुपए की प्राइस के अंदर आपको कैमरा क्वालिटी देखने को मिलती है, वही कैमरा स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। जहाँ पे आपको मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का वाइड का देखने को मिलेगा, आपको दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो का लेंस देखने को मिलेगा, और एक 2 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको फ्रंट साइड पे पंच होल के अंदर आपका सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जो कि 16 मेगापिक्सल का होगा। तो यहाँ पे सेल्फी पे कोई ज्यादा फोकस नहीं किया गया, इसका मेन फोकस है इसके चिपसेट के ऊपर, इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर और इसके लुक के ऊपर, काफी अमेजिंग स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है। जहाँ पे कैमरा पे इतना फोकस नहीं गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कैमरा स्पेसिफिकेशन बुरी देखने को मिल जाए, कैमरा स्पेसिफिकेशन इतनी मिल रही है कि आप इस पर गुजारा कर सकते हैं। 48 मेगापिक्सल का भी बैक कैमरा काफी अच्छी पिक्चर्स आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे चिपसेट की जो इमेज प्रोसेसिंग होगी वो बाकी स्मार्टफोन के निस्बत काफी ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको लेटेस्ट चिपसेट देखने को मिल जाए स्नैपड्रैगन का 865। तो यहाँ पे कैमरा क्वालिटी भी आपको बाकी स्मार्टफोन से बेहतर ही देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको मैंने जैसा कि बताया कि जो कैमरा देखने को मिलेगा वो 16 मेगापिक्सल का होगा, तो बाकी 16 मेगापिक्सल
की नस्बत आपको यहाँ पे बेहतर सेल्फी देखने को मिलेगी। अब इस स्मार्टफोन के अंदर आपको काफी जो है बड़ी आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपको 65 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। वायरलेस चार्जिंग की स्पीड यहाँ पे काफी फास्ट देखने को मिल रही है, जहाँ पे आपको 40 वोट की वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आपको जो वूक चार्ज देखने को मिल रही की टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है, वो सुपर वूक चार्ज की 2.0 की टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। अब ये चीज नहीं समझ आई मुझे कि यहाँ पे 4.0 की टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं गया। शायद यहाँ पे 16 वोट के साथ अभी 2.0 की टेक्नोलॉजी में ओप्पो ने काम किया, 4.0 की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको वूक चार्ज की टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे 2.0 की इम्प्लीमेंट की है। और यहाँ पे फ्लैश चार्ज की टेक्नोलॉजी ना कि सुपर चार्ज, सुपर चार्ज की जो टेक्नोलॉजी होती है वो हवावे वालों की होती है। तो यहाँ पे आपको फ्लैश चार्ज, वूक चार्ज की 2.0 की टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है। अब इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 4000 मिलियन पार की एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, और इस स्मार्टफोन के अंदर आपको टाइप सी कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी, 3.5 ml ऑडियो जैक भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको डुअल सिम की भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप दो सिम कार्ड लगा सकते हैं। तो यही थी ओवरऑल स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको इस स्मार्टफोन कैसा लगा। ओवरऑल ये स्मार्टफोन काफी अमेजिंग स्पेसिफिकेशन के साथ आ रहा है, जहाँ पे इसके प्राइसिंग एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ये 90,000 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 90,000 के अंदर आप ये सोचेंगे आपको एक फ्लैगशिप चिपसेट देखने को मिल जाए, और इससे पहले आपको किसी भी कंपनी ने अभी तक फ्लैगशिप चिपसेट नहीं प्रोवाइड किया इतनी कम प्राइस के अंदर। तो यहाँ पे अगर आपको एक गेमिंग के लिए या फिर अपना कैमरा वाइज कोई फोन लेना चाहते हो, तो डेफिनेटली ये आपको हाईली रिकमेंडेड फोन होने वाला है। बट अगर इसके प्राइस ओप्पो वाले कहीं 75,000 के राउंड अबाउट रख देते हैं ना, तो ओप्पो वालों का ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा सेल होने वाला है। 90,000 थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि इतने ज्यादा आपको अमेजिंग स्पेसिफिकेशन नहीं देखने को मिली। अगर आप 90,000 खर्च करते हैं तो आपको एक लेटेस्ट चिपसेट वाला स्मार्टफोन थोड़े कम, अगर आप सेकंड हैंड में बाय करते हैं तो आपको सैमसंग का S10+ देखने को मिल जाता है, जो कि वो भी लेटेस्ट चिपसेट के साथ ही आपको देखने को मिलेगा, और वहाँ पे ज्यादा बेहतर आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिलते हैं इस स्मार्टफोन से। तो अगर वो थोड़ी प्राइसिंग को कम कर देते हैं तो डेफिनेटली स्मार्टफोन काफी बूस्ट अप करेगा और पाकिस्तान में काफी अच्छी सेल कैच करेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे ज्यादा देर मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, किसी न्यू बल्कि अनबॉक्सिंग के साथ, किसी न्यू टेक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।